चहार में एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 तकनीकी खराबी के कारण 48 घंटे के लिए बंद हो गई है। 210 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट में काम बंद होने से बिजली संकट और बढ़ गया है। एनटीपीसी यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों को बिजली सप्लाई करती है। इस प्लांट में कुल 6 यूनिट है और बॉयलर में तकनीकी खराबी के कारण यूनिट नंबर 2 को बंद कर दिया गया है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट उचाहार में स्थित है। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले जलाकर विरोध जताया। यह हमला 9 जून को रियासी गांव के पास हुआ, जब बस शिवखोरी से वैष्णो देवी कटरा जा रही थी। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या किया आप लोगों ने, क्या मकसद था इसका करने का? आज ये पुतला दहन किया गया है, जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो जम्मू कश्मीर से ये कटरा जो शिवखोड़ी के पास जो घटना घटी है, जो बस का जो है वो घटना में आतंकवादियों ने जो घटना की है वो बस जो गिरी है और उस पर जो है 10 लोग मारे गए हैं। और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के युवा इकाई बजरंग दल के नेतृत्व में आज ये पुतला दहन का और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि संगठन ये कहना चाह रहा है कि महामहिम महोदया केंद्र सरकार को निर्देशित करें और कुछ ऐसा ठोस कानून या नियम कुछ ऐसे बनाने के लिए जिससे इस तरीके का जो आतंकवाद फल फूल पनप रहा है इस तरह ना पनपे, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा है आखिर ये इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा पोषित किया जा रहा है किस तरीके से इस तरीके का आतंकवाद किया जा रहा है, किसकी सह है, इस पर महामहिम महोदया संज्ञान में लेकर के केंद्र सरकार को अपने नियम कानून या जैसे भी हो फेरबदल करने के लिए बदलने के लिए कुछ करने के लिए उनको निर्देशित करें। सीतापुर में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में नीट परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। हजारों की संख्या में छात्र शामिल हुए और सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की मांग की। सिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर रजनीश राठौर, सोनू सिंह, विश्राम पाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने अवैध वाहनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दर्जनों चालक और परिचालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि अवैध वाहन संचालक रोडवेज बसों से जबरन सवारियां भरते हैं और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कर्मचारियों ने कलेक्टर पहुंचकर डीएम राहुल पांडे को ज्ञापन सौंपा। किसको ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे चालक परिचालक की आय नहीं आ रही, जो एमडी साहब का 50% लोड फैक्टर के ऊपर आय लाने का है। यहाँ से डग्गा मार्ग गाड़ियाँ जो है हमारे निगम बस स्टैंड से सवारी उतार उतार कर दे जाते हैं, जिससे रोज आय झगड़ा होता है और कहना नहीं मानते। जबकि पूर्व में यह तय हुआ था और मुख्य सचिव के आदेश भी हैं कि निगम डिपो से 1 किलोमीटर दूर बस अड्डा प्राइवेट होना चाहिए, जबकि कोई यहीं कंचन लाद से और बस स्टैंड से और वहाँ पुलिस चौकी से सवारियाँ ले जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा के मध्य देखते हुए आज ज्ञापन डीएम साहब को दिया। झांसी के समतर में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उन्नत उपचार के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। सलेमपुर निवासी इकबाल खान 55 दोपहर करीब 2 बजे मोछ रोड की ओर जा रहे थे, तभी उनकी टक्कर करे निवासी जितेंद्र 35 से हो गई, जो मोड़ से सबथर लौट रहे थे। हादसा गल्ला मंडी के पास हुआ। रागिरों ने घटना की सूचना स्थानीय सबथर पुलिस को दी। सूचना पर उपनिरीक्षक कुलदीप सोनकर व कांस्टेबल आलोक कटियार, इश्तियाक खान व अनिल कटियार मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अग्नि सुरक्षा अधिकारी प्रगति शर्मा झांसी में लगातार अग्नि सुरक्षा अभियान चला रही है। आज कमिश्नर कार्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करना सिखाया गया। जिला अस्पताल में भी इसी तरह के एक सत्र में मेडिकल स्टाफ और आगंतुकों को सिलेंडर में लगी आग से निपटने के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी होने के कारण देखिए फिर लगाकर उसको बुझा रहे हैं। चल रहा है या कोई चीज चल रही है, अगर कुछ नहीं हमें मिल पा रहा है, अगर हमारे पास खाली पा
पार्टी है और उससे हम किसी तरह से इसको करते थे पूछ जाएगी। देखिए इसको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से हम ऑक्सीजन जैसे इसका ऑक्सीजन कट हो जा रहा है, आग बुझ जा रही है, ऐसे बुझ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का कहीं होता है तो ऐसे आप ये बाल्टी के द्वारा भी कुछ नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाली बाल्टी होगी, प्लास्टिक से बुझा दे। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में निगरानी दल ने विभिन्न जिलों और राज्यों से लगभग 30,05,200 मूल्य के 156 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए। इन फोन को उनके संबंधित स्वामियों को लौटा दिया गया। खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन के बारे में कई शिकायतों के बाद यहां रिकवरी अभियान शुरू किया गया। सब इंस्पेक्टर सचिन शर्मा के नेतृत्व में टीम ने डिवाइस को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। जिनके कीमत करीबन 30 लाख रुपए है। ये फोन हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बरामद किए हैं, कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट से भी बरामद किए हैं। तो लोगों से अपील है कि अगर उनके फोन कभी गुम हो जाए या किसी में खो जाए तो ये लोग थाने पे जाकर उसको नोट कराते हैं, जिससे उसकी डिटेल्स हम लोग अपने सर्विलांस सेल में ले लेते हैं और फिर उन पर लग के उनको आई एम आई के थ्रू या अन्य सोर्सेज हैं उनको पता लगा कर उनको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। कल सीतापुर गोलार रोड पर बेलगांव गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। बेलगांव निवासी पंकज 30 की टक्कर काजी कमलापुर निवासी शिव से हो गई। पंकज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेकराम और शिव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।